अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पीनट चटनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पीनट चटनी किस तरह बनाई जाती है डोसा और डोसा एंड इडली के साथ खाए जाने वाली। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब पीनट, जिसको हमने रोस्ट कर लिया था, इस छिलके वाली पीनट थी। और यहाँ पे लिया है लहसुन की कुछ कलियाँ और 2 हरी मिर्ची। तो मैंने इसको रोस्ट किया, उसके बाद सारे छिलके निकाल दिए हैं और इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और लहसुन को भी ऐड कर दिया है और इसमें नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से नारियल की चटनी भी बनाई जाती है, मैं लेकिन यहाँ पे पीनट वाली बना रही हूँ। तो ये झटपट से बनकर रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देख सकते हैं ग्राइंडर जार में डालकर हमने इसको पीस लिया है, इस तरह से ये थे पीस लिया है हमने। तो ये चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसमें एक तड़का देंगे। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल, उसमें मैंने डाला है राई यानी सरसों के दाने और करी पत्ता और 3-4 सूखी हुई लाल मिर्ची। तो ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इस चटनी के ऊपर ये तड़का लगा देंगे। तो ये हमारी फटाफट से पीनट चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से आप नारियल की चटनी भी बना सकते हैं। तो इसको आप डोसा के साथ, इडली वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।